देश की फास्टेस्ट मेट्रो अभी बनाई जा रही है मेरठ में। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेन यहाँ, जो मेरठ को बेहतर कनेक्ट करने के साथ RRTS की मदद से दिल्ली से भी जुड़ेंगी। ये एक नया मॉडर्न रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा, जिसका मकसद है मेरठ के साथ NCR में तेजी से बढ़ते ट्रैफिक पॉल्यूशन को कम करके बेहतर क्वालिटी का और रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना। मुझे मेरठ मेट्रो की अनवीलिंग के लिए दुहाई डिपो जाने का मौका मिला, जहाँ ट्रेन के अंदर जाके एक एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे हम आगे। इस मेट्रो की एक खास बात है कि इसको दिल्ली मेरठ RRTS के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि इंटरसिटी के साथ इंटरसिटी ट्रैवल भी और आसान बने। पहले मेरठ मेट्रो के लिए दो लाइंस बनाने का प्लान था, एक शहर के मेजर एरियाज के लिए और दूसरा पेरिफेरल एरियाज के लिए। लेकिन RRTS के आने के बाद प्लान्स में बदलाव किया गया, जिसमें RRTS के साथ ये लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों को सर्व करेगा। मेट्रो अपना पूरा रूट RRTS के साथ शेयर करेगी, जहां कुछ स्टेशन पर दोनों रुकेंगी और बाकी सब पर सिर्फ मेट्रो। स्टेशन को छोड़कर बाकी पूरा रूट डबल ट्रैक ही होगा और शेड्यूलिंग ऐसी की जाएगी कि RRTS को प्रायोरिटी मिले। इससे ये देश का पहला ऐसा मेट्रो सिस्टम हो जाएगा जहां लोकल और एक्सप्रेस जैसी सर्विस देखने को मिलेगी। ऐसा करने से NCRTC, जो इसे बनवाने का काम कर रही है, लगभग 6,300 करोड़ रुपए बचा पाएगी कंस्ट्रक्शन में। RRTS का अपना रूट है 82 किलोमीटर लंबा 16 स्टेशन के साथ, जिसमें से अभी 42 किलोमीटर ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। दिल्ली में सराय काले खान से शुरू होकर बीच में गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर से होते हुए मेरठ में एंटर होगी मोदीपुरम में खत्म होने से पहले। दिल्ली मेट्रो से 4 स्टेशन पर कनेक्ट होगी और मेरठ मेट्रो से भी 4 स्टेशन पर। सराय काले खान एक मेजर ट्रांजिट हब बन जाएगा सिटी का, जहां RRTS के अलावा दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन और इंटरस्टेट बस टर्मिनल भी मौजूद है। पूरा सफर सिर्फ 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिसमें अभी 2 से 2.5 घंटे लगते हैं आसानी से। मेरठ मेट्रो की बात करें तो उसकी अपनी लेंथ होगी 23 किलोमीटर की 13 स्टेशन के साथ। 9 स्टेशन एलिवेटेड होंगे, 3 अंडरग्राउंड और 1 ग्राउंड लेवल पर। मेरठ मेट्रो को NCRTC ऑपरेट करेगी। 11,500 करोड़ रुपए में बनाया गया है रूट, जो RRTS के साथ साथ चलेगी। RRTS जो है सराय काले खान से मोदीपुरम तक चलेगी। इसकी हाई स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। 3 डब्बों की ट्रेन है, एक कोच में 100 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। इसका इंटीरियर RRTS जैसा है मेरठ मेट्रो। इसमें टोटल 13 स्टेशन होने वाले हैं, जिसमें से 4 RRTS के साथ जुड़ेंगे। एक है मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम। टोटल 173 सीट्स होंगी और 700 लोग ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन में। मेट्रो मेरठ साउथ से शुरू होगी, जहां RRTS भी रुकेगी। ये स्टेशन मेरठ के आउटर एरिया में पड़ता है हाईवे पर, जिसके पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खत्म होता है। और क्योंकि इस लाइन को एक्सप्रेसवे के भी ऊपर से गुजरना है, इसलिए स्टेशन की हाइट 24 मीटर रखी गई है। सदर्न मोस्ट स्टेशन होगा ये इस लाइन का। ये भी पार्शली ऑपरेशन भी हो चुका है RRTS ट्रेन के लिए, जो यहां टर्मिनेट होती है। इस 215 मीटर लंबे और 26 मीटर वाइड स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से एक ऑपरेशनल है प्लेटफॉर्म 1। अभी यहां RRTS की ट्रेन्स खत्म होती हैं, लेकिन आगे का रूट खुलने के बाद ट्रेन्स इधर से मोदीपुरम तक जाएंगी। प्लेटफॉर्म 2 में मेट्रो ट्रेन्स टर्मिनेट होंगी और 3 में दिल्ली की तरफ जाने वाली RRTS ट्रेन्स रुकेंगी। अगला स्टेशन परतापुर होगा, जो शहर के साउथ वेस्टर्न एरिया में मौजूद एक इंडस्ट्रियल एरिया को सर्व करेगा, जहां पर काम कर रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी इससे। फिर रिठानी आएगा, जो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में पड़ता है। शताब्दी नगर एक बिजी रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब है, जहां RRTS भी रुकेगी। ब्रह्मपुरी एक हिस्टोरिकल एरिया के पास पड़ता है, जहां से लोकल मार्केट्स और कल्चरल बिल्डिंग्स जाने के लिए कई लोग आएंगे। इसके बाद रूट अंडरग्राउंड चले जाएगा। मेरठ सेंट्रल स्टेशन बिल्कुल बीच में पड़ेगा शहर के, जहां पॉपुलर मार्केट्स भी मौजूद हैं। वैशाली स्टेशन भी अंडरग्राउंड होगा, जिसके करीब एक मेजर बस स्टॉप भी पड़ता है। बेगमपुर शहर के मेजर कमर्शियल एरियाज में से एक है, जहां मेट्रो के साथ RRTS भी रुकेगी। ये इकलौता अंडरग्राउंड स्टेशन हो जाएगा, जहां पर दोनों रुकेंगी। इसीलिए इसमें 4 प्लेटफॉर्म्स भी बनेंगे। 4 एंट्री एग्जिट गेट्स खुलेंगे, अबू लेन, लाल कुर्ती मार्केट और 0 माइल की तरफ। अगले स्टेशन से पहले रूट फिर से एलिवेटेड हो जाएगा NH 334 के ऊपर। MES कॉलोनी स्टेशन मेरठ कैंटोनमेंट एरिया को सर्व करेगा। फिर डॉर्ली स्टेशन शहर के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ेगा, जो एक रेजिडेंशियल और सेमी अर्बन एरिया है। मेरठ नॉर्थ आगे पलपुरम सबर्ब को सर्व करेगा, जहां से अभी लोगों को अगर सिटी सेंटर तक आना हो तो बस लेनी पड़ती है और इतना आसान नहीं रहता ट्रैवल करना। मेट्रो से ये और इजी बन पाएगा। अगला मोदीपुरम स्टेशन पूरी तरह से एलिवेटेड होगा और एक मेजर ट्रांजिट हब बन जाएगा, जहां मेट्रो और
आरआरटीएस दोनों रुकेंगी। अभी मोदीपुरम का अपना कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है, लोगों को पाब्ली खास या दौराला जाना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए। यहाँ कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी मौजूद हैं, तो वो अब इसके बनने से मेरठ और दिल्ली तक डायरेक्टली भी जा सकेंगे। लास्ट स्टेशन है मोदीपुरम डिपो, इकलौता ग्राउंड लेवल पर बनने वाला स्टेशन होगा और डिपो भी होगा पास में। तो ये तो पूरा रूट हो गया मेरठ मेट्रो का। इस लाइन को फेज 1 के अंडर बनाया जा रहा है और इसके बनने के बाद फेज 2 की भी एक लाइन प्लान्ड है। ये पूरा रूट डबल ट्रैक ही होगा, सिर्फ स्टेशन पर 3 या 4 ट्रैक्स होंगे और शेड्यूलिंग इस तरह से की जाएगी कि आरआरटीएस को प्रायोरिटी मिले और उन्हें रुकना ना पड़े ज्यादा। साथ ही ये देश का पहला ऐसा मेट्रो सिस्टम हो जाएगा जहां लोकल और एक्सप्रेस सर्विसेज चलेंगी। इससे लोकल ट्रैवलर्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स को भी बहुत फायदा मिलेगा। ओवरऑल ट्रैवल टाइम काफी रिड्यूस हो जाएगा जब 120 किलोमीटर पर आवर से मेट्रो और 180 किलोमीटर पर आवर से आरआरटीएस दौड़ेंगी उस पर। मेरठ को एक मॉडर्न ट्रांजिट सिस्टम मिलेगा जो दिल्ली मेट्रो की तरह शहर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल कर रख देगा और लोगों के ट्रैवल पैटर्न्स को भी चेंज करने की क्षमता रखता है। इसका पर्पस कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के अर्बन एरिया को और स्प्रेड आउट करना भी है और गाजियाबाद के आगे वाले एरिया में फ्यूचर प्राइवेट डेवलपमेंट को एनकरेज करना भी है। स्टेशंस के आसपास के एरिया की लैंड वैल्यू ऑलरेडी शूट अप करने लगी है, स्पेशली शताब्दी नगर इंडस्ट्रियल एरिया में। इससे नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उन जगहों में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी जो एनसीआर में थोड़ी पीछे रह गई है। रोड ट्रांसपोर्ट से तेज और कन्वीनियंट होने का ये फायदा भी होगा कि जो लोग प्राइवेट व्हीकल्स अफोर्ड भी कर सकते हैं उनके लिए भी आरआरटीएस और मेट्रो ज्यादा सेंस बनाएगी अपनी बाइक या कार के मुकाबले, क्योंकि टाइम सेविंग्स ज्यादा रहेंगी। व्हीकल से ट्रैफिक कम होगा जिससे एमिशंस भी कम होंगी और क्योंकि आरआरटीएस और मेट्रो फुली इलेक्ट्रिक हैं तो इसलिए हर साल 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी कम कर पाएगा ये एनसीआरटीसी की माने तो। ये मेट्रो लाइन बनने के बाद फेज 2 पर काम शुरू होगा श्रद्धापुरी से जागृति विहार तक, जो एक ईस्ट वेस्ट लाइन होगी। 15 किलोमीटर लंबी लाइन होगी 12 स्टेशन के साथ। इसको अप्रूवल मिलना भी बाकी है। रूट भी अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बेगमपुर में ही इंटरसेक्ट करेगी पहली लाइन से। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए जाएंगे सेफ्टी के लिए और सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी जो लाइन 1 में दी जा रही है। अभी बस में ट्रेन्स दूसरी होंगी, ये फास्टेस्ट ट्रेन्स नहीं होंगी क्योंकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी नई लाइन्स में उसकी। कॉस्ट को और कम करने के लिए एनसीआरटीसी ने पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पीटीसी के साथ डील की है लो कॉस्ट पावर सप्लाई करने के लिए, अभी लाइन 1 के लिए लेकिन बाद में लाइन 2 के लिए भी हो जाएगी। फेज 1 को एनसीआरटीसी कंस्ट्रक्ट कर रही है लेकिन ऑपरेट यूपीएमआरसी ही करेगी जो लखनऊ कानपुर और आगरा मेट्रोस को करती है। लाइन 2 पूरी तरह यही कंस्ट्रक्ट करेंगे और ऑपरेट भी। इसका रीजन है कि यूपीएमआरसी के पास स्टेट में दूसरे मेट्रो सिस्टम्स को सक्सेसफुली डिजाइन इंप्लीमेंट और ऑपरेट करने का काफी एक्सपीरियंस आ चुका है। स्टेट गवर्नमेंट का भी यही इरादा है कि स्टेट की सारी मेट्रोस एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हैंडल करे जो सर्विसेज को और एफिशिएंट बनाएंगी, इनको अप्रूवल्स भी जल्दी मिल जाएंगे और कॉस्ट भी कम कर पाएंगी मेंटेनेंस में और कंस्ट्रक्शन में। इसके ट्रेन सेट्स की बात करें तो वो है एस्ट्रम की बनाई नमो भारत ट्रेन जैसे ही जो आरआरटीएस में इस्तेमाल हो रहे हैं। फीचर्स भी सिमिलर है उससे और बनी भी एक ही जगह है गुजरात में उनके सावली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। इन्हें उनके ही हैदराबाद इंजीनियरिंग सेंटर में डेवलप किया गया 120 किलोमीटर पर आर की ऑपरेशनल स्पीड और 135 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड के साथ। आरआरटीएस के बाद ये देश की दूसरी सबसे तेज रैपिड ट्रांजिट ट्रेन्स भी बन जाएंगी। ये दोनों ट्रेन सेट्स एस्ट्रम के एडिसिया पर बेस्ड हैं स्टैंडर्ड गेज के साथ। इनमें 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज एसी ओवरहेड वायर से पावर पहुंचाई जाएगी ऑपरेशंस के दौरान। एडिसिया एस्ट्रम की बनाई एक ईएमयू है जो 120 से 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर दौड़ सकती है। यूरोप में तो इसे सिंगल डेक के अलावा डबल डेक कॉन्फ़िगरेशन में भी बनाया जाता है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अभी इंडिया में सेमी हाई स्पीड रैपिड ट्रांजिट ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं हुई कि इसे पूरी तरह से इंडिजिनसली बिल्ड किया जा सके। हालांकि वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ईएमयू जरूर है लेकिन उसमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाई जा रही है और वो भी ब्रॉड गेज ट्रैक्स के लिए, जबकि आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो स्टैंडर्ड गेज में मीडियम और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही बनाई जा रही है जिसकी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है आईसीएफ और आरसीएफ में। मेरठ मेट्रो की ट्रेन में 3 कोचेस होंगे जिसमें 173 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और टोटल 700 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। कई एडवांस्ड फीचर्स लगाए जाएंगे जैसे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम्स, एर्गोनॉमिक सीट्स, विंडो ब्लाइंडर्स, सीसीटीवी, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर्स की सुविधाएं। ट्रेन को एक एरोडायनामिक डिजाइन भी दिया गया है जो कि ऐसी पहली मेट्रो हो जाएगी देश में। ये एनर्जी एफिशिएंट भी होंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ, जिसमें ब्रेकिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड में वापस फीड करके एनर्जी कंजम्पशन और ऑपरेशन कॉस्ट दोनों को ही कम किया जा सकता है। मेरठ के पब्लिक ट्रांजिट को हम समझना चाहते हैं तो हमें रैली एनसीआर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और पूरे रीजन के ट्रांसपोर्टेशन को
समझना पड़ेगा। 11 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी के साथ दिल्ली देश की दूसरी सबसे अमीर सिटी है मुंबई के बाद, तो जीडीपी इसकी डबल हो जाती है 20 लाख करोड़ रुपए तक। पिछले साल से दिल्ली में 9% ग्रोथ देखने को मिली है और इनकम्स भी बढ़ गई है 3.7 लाख रुपीज पर पर्सन से 4.6 लाख रुपीज तक। इसके पीछे कई फैक्टर्स आते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एनसीआर में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ती इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, जैसे दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन, आरआरटीएस और एक्सप्रेसवेज वगैरह। बेहतर कनेक्टिविटी से ट्रेड पर भी पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है ये रीजन, जो 2023-24 में $6.5 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर, नए स्टार्टअप्स और ओवरऑल हाई इनकम से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद में बढ़ने लगी है। जब से दिल्ली में जगह थोड़ी कम पड़ रही है उनके एक्सपेंशन के लिए, इसलिए वो बाहर शिफ्ट हो रही है ये जॉब। इससे दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर की पॉपुलेशन भी एक्सप्लोड हुई है पिछले 20 सालों में। दिल्ली की पॉपुलेशन जहाँ 1.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, वहीं सोनीपत की 14 लाख, गुड़गांव की 15 लाख, फरीदाबाद की 18 लाख और मेरठ डिस्ट्रिक्ट की 34 लाख हो चुकी है। पूरे एनसीआर को मिला के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाद। अब ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो ही चुकी है तो प्रॉपर एफिशियंट ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ने लगी। आरआरटीएस को बनाना इसकी एक अच्छी शुरुआत है और ऐसे कई और प्रोजेक्ट चाहिए होंगे पूरे रीजन की नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर हम कंपेयर करें ग्रेटर टोक्यो एरिया से, तो वहाँ पूरे रैपिड और रीजनल ट्रांजिट लाइंस को मिलाकर 55 से ज्यादा लाइंस और 4000 से ज्यादा किलोमीटर के नेटवर्क बिछाया जा चुका है, जो दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक बना देता है इसे। तो दिल्ली को काफी कुछ सीखना पड़ेगा टोक्यो से और अपने ट्रांजिट नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ेगा उसके हिसाब से। मेरठ, जो दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, हमेशा से एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स पर स्थित रहा है। एंशियंट टाइम से ही ये उन मर्चेंट्स के लिए एक प्रमुख स्टॉप बनकर रहा है जो दिल्ली से हरिद्वार और अन्य उत्तर के शहरों के बीच सफर करते थे। ब्रिटिश पीरियड में इन ट्रेड रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और अपग्रेड किया गया। फिर 19th सेंचुरी में रेलवे लाइन की स्थापना से दिल्ली और मेरठ के बीच कनेक्टिविटी काफी सुधरी। रेलवे की शुरुआत से माल और लोगों का आना जाना और आसान बन गया, जिसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखी गई। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद दोनों शहरों ने तेजी से अर्बनाइजेशन देखा। मेरठ एक औद्योगिक हब के रूप में उभरा, जो खेलों के सामान, कपड़े और हैंडलूम के लिए जाना जाने लगा। इसी से ट्रेड बढ़ता चला गया, जिससे आज दिल्ली और मेरठ एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विसेज शामिल हैं। सप्लाई चेन्स और लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस भी और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, स्पेशली ई कॉमर्स के आने से। अब पहले से कई ज्यादा प्रोडक्ट्स दिल्ली में बिकने लगे हैं, जो मेरठ में बनते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। इस बढ़ते ट्रेड को हैंडल करने के लिए नए हाईवेज और रेलवेज बनाना जरूरी हो जाता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ट्रक्स तेजी से अब दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, और अगर लॉजिस्टिक कंपनीज इसे यूज ना भी करना चाहें ज्यादा टोल होने की वजह से, तब भी उनको इससे फायदा देखने को मिल रहा है पुराने हाईवे पर कम ट्रैफिक होने से, क्योंकि अब ज्यादातर प्राइवेट व्हीकल्स एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं और पुराना हाईवे अब ट्रक्स के लिए काफी खाली हो चुका है। सेम चीज अब आरआरटीएस भी करने जा रहा है उनके लिए। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एनसीआरपीबी की स्थापना के साथ मेरठ को एनसीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, क्योंकि रिसेंटली एनसीआर का एरिया उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है। इससे डेवलपमेंट वर्क को सुधारने में मदद मिली उधर और फ्यूचर ग्रोथ को बेटर प्लान करने के लिए कारगर साबित हुआ। आज इंडियन रेलवे से दिल्ली और मेरठ के बीच लगभग 20,000 लोग ट्रैवल करते हैं हर रोज। मेरठ का पहला रेलवे स्टेशन ब्रिटिश पीरियड में बनाया था सिंध, पंजाब एंड दिल्ली रेलवे कंपनी ने, जो दिल्ली से सहारनपुर वाली लाइन में पड़ता था। लेकिन यहाँ उनके रेलवे स्टेशन बनाने का मोटिव कनेक्टिविटी के अलावा फ्यूचर अपराइजिंग्स को कंट्रोल करना भी था। मेरठ, जहाँ पर ब्रिटिश मिलिट्री के काफी जवान रहते थे, देश के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में से एक था, तो वहीं से 1857 में रिबेलियन शुरू हुई, जो कि काफी बड़ा इवेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ इंडियन सोल्जर्स ने बगावत की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, लेकिन जिनमें से एक था नई राइफल इंट्रोड्यूस करना, जिसके लिए सोल्जर्स को कार्ट्रिजेस को मुंह से काटना पड़ता था, और वो कार्ट्रिजेस बनी थी काऊ और पिग फैट से, जो दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स को बिल्कुल नामंजूर था। तो इससे बगावत शुरू हुई, जिसे पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन का रूप लिया, और इसके अंत तक कंपनी रूल को हटाने में भी कामयाब रहे। हालांकि उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया देश में। तो इस इवेंट के बाद ब्रिटिश को जल्दी रियलाइज हो गया कि अपना कंट्रोल बढ़ाने और तेज से ट्रूप डिप्लॉयमेंट के लिए रेलवे का काफी बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि पहले सोल्जर्स को दूर के रीजन में भेजने के लिए कई दिन और हफ्ते लग जाते थे, जो कि उनके लिए काफी स्लो था। मेरठ में नए रेलवे स्टेशन से दिल्ली, आगरा और दूसरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक पहुंचना और आसान बन चुका था, और साथ ही सप्लाई चेन बेहतर हुई मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की, जिससे हथियार वगैरह तेजी से ट्रांसपोर्ट होने लगे, जो पहले बैलगाड़ी से किए जाते थे। जल्द ही फिर उधर शहर का दूसरा स्टेशन भी बनाया गया, मेरठ सिटी जंक्शन स्टेशन, जो 1911 में खुला, जहाँ
कैंटोनमेंट स्टेशन मिलिट्री के लिए उपयोगी साबित हो रहा था, वैसे इस स्टेशन को नॉर्मल लोगों के लिए और ट्रेड के लिए बनाया गया और इसकी लोकेशन भी शहर के थोड़े सेंटर में रखी गई। मेरठ की बढ़ती इकोनॉमी को अपने एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को देश भर में भेजने की डिमांड भी बढ़ रही थी इसी समय, जिससे इस स्टेशन ने और आसान बनाने का काम किया। पहले मेरठ सिर्फ दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्टेड था, लेकिन नए मेरठ हापुड़ ट्रैक के बिछने से यह हापुड़ और यूपी के दूसरे शहरों से भी कनेक्ट हो पाया। फास्ट फॉरवर्ड करें 2023 को तो आनंद विहार से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चली, जो मेरठ जंक्शन पर रुकती है। इससे ये दिल्ली और मेरठ के बीच का फास्टेस्ट कनेक्शन बन गया सिर्फ 1.5 घंटे दूर, जब तक आरआरटीएस पूरी नहीं खुलती तब तक। जो पुराना हाईवे है दिल्ली से मेरठ, वो बीच में मुरादनगर, मोदीनगर और गाजियाबाद से होता हुआ जाता है और ये दिल्ली बॉर्डर से पहले भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद दो को दूसरी रोड से होते हुए जाना पड़ता है। तो इससे काफी दिक्कत हो रही थी रोड ट्रैवल में और इसी को सॉल्व करने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बनाया गया। इसके अलावा एक नया 1047 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, जो मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करेगा और बीच में गंगा के पैरेलल चलेगा पूरे रूट में। रास्ते में कानपुर से भी होता हुआ जाएगा। कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है इसकी और अगले साल तक खुलने की उम्मीद है। इसके बारे में और जानने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। मुझे रिसेंटली आरआरटीएस का जो ऑपरेशनल रूट है साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक, उसके बीच ट्रैवल करने का मौका मिला। काफी शानदार था ये ओवरऑल एक्सपीरियंस। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो को और सेफ बनाने के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है हर स्टेशन पर। इसे देश के कई मेट्रो नेटवर्क्स में भी अपनाया गया है, जैसे दिल्ली मेट्रो। इनका मेन काम होता है पैसेंजर्स को ट्रेन पर उतरने से रोकना, चाहे वो गलती से हो या फिर जानबूझकर, क्योंकि एक्सीडेंट्स होने से जान का खतरा तो रहता ही है, लेकिन काफी डिलेज भी देखने को मिलते हैं ट्रेन और पैसेंजर्स को, जो पूरा टाइम टेबल खराब कर देता है उनका। तो यही बेस्ट तरीका मिला उन्हें उससे बचने का, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए इन्हें पूरी हाइट का ना बनाकर आधी हाइट वाले डोर्स लगाए जाते हैं। इन्हें ऐसा लगाया जाता है ताकि ट्रेन के डोर्स उनके सामने ही आकर रुके और साथ में खुले, जो यात्रियों को एंट्री एग्जिट करने की जगह दे। ये एक सिंपल टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप हुए थे 1960s में, जब रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो लाइन 2 बनी। इस अंडरग्राउंड लाइन के 10 स्टेशन में जगह की कमी होने के कारण जो प्लेटफॉर्म था उसे ट्रैक से थोड़ा अलग बनाया गया था, यानी सेंटर में प्लेटफॉर्म था जिसके दोनों साइड ट्रैक से, लेकिन उनके बीच में एक दीवार थी। बस इस दीवार में हर थोड़ी दूरी पर छेद करके मेट्रो के दरवाजे जितनी जगह बनाई यात्रियों के लिए, वो पूरी दीवार नहीं काट सकते थे क्योंकि स्टेशन की रूफ उस पर टिकी थी। ट्रेन आकर रुकती इन दरवाजों के सामने और लोग इन्हीं से प्लेटफॉर्म पर उतर जाते, फिर दरवाजे बंद हो जाते। तो ये पहले प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स बने दुनिया में जरूरत की वजह से। इंडिया में स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स का इस्तेमाल 2011 में शुरू हुआ था दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस के साथ, जिसके बाद से कई नई लाइंस में इन्हें लगाया गया और देश की दूसरी सिटी मेट्रोज में भी। हमने इस हफ्ते ही दिल्ली NCR का एक ट्रांजिट मैप बनाया है जिसमें RTS रूट भी विजिबल है। इसे चेकआउट करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, इस कार्ड पर क्लिक करके। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।